हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चार्ट के बारे में जानेंगे। चार्ट एमएस वर्ड का एक ऑप्शन है जो आपको इंसर्ट में मिलता है और इसके मदद से आप किसी भी डेटा को डायग्राम में शो कर सकते हो। तो सिंपल सा आप यहाँ पर चार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, कॉलम, लाइन, पाई, बार। तो मैं सिंपल से यहाँ पर कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, जो आपको पसंद है वो चार्ट सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसके बगल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलेगा, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। तो ये जो डेटा है यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार, तो सीरीज कार जो सीरीज 1 है उसका रेट है 1.102। यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 106, 109। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, यहाँ पे एडिट हो रहा है। जब मैं यहाँ पे डाटा को चेंज करूँगा तो यहाँ पे एडिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक, तो वैसे इसको एडिट कर सकते हो। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट का ज़्यादा काम नहीं रहता है। और इसके बाद आप सिंपल सा एक्सेल को ऑफ कर दीजिए तो आपका डेटा एम एस वर्ड में शो होएगा। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन मिलता है, तीनों टैब मिलता है, डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट। तो डिज़ाइन में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हो, जो चार्ट टाइप है वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं लाइन करूँगा तो यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए, तो ये मेरा लाइन में आ गया। ऐसे आप चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ दिया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट का बैकग्राउंड यहाँ पे मिलता है। मैं ये वाला करूँगा तो ये कुछ ऐसा शो करेगा। ऐसे आप सिलेक्ट डेटा कर सकते हो, किसी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से एडिट डेटा कर सकते हो, आपने जो डेटा तैयार किया है उसको आप एडिट कर सकते हो एमएस एक्सेल में। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ऐड किया था, आप इसे चाहो तो एडिट कर सकते हो या फिर नहीं एडिट, मतलब एडिट मतलब नहीं करोगे तो भी ठीक है। यहाँ पे आपको लेआउट में शेप्स मिल जाता है, पिक्चर मिल जाता है, यहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो वैसे कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। तो लेआउट में ज़्यादा कुछ काम नहीं है, यहाँ पे डेटा लेबल्स आप चूज कर सकते हो, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। मैं सेंटर में करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा के जो लेवल्स मैंने वहाँ पे एंटर किए थे तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद फॉर्मेट में जाके आप इसका शेप्स का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ऐसे आपको अगर अंदर का शेप का स्टाइल चेंज करना है तो पहले आप उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप इसे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से वैसे ही शेप का स्टाइल, कस्टम आउटलाइन आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप इफेक्ट चूज कर सकते हो। ऐसे आप टेक्स्ट को चूज कर सकते हो। वैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ूंगा। यहाँ पे आप पोजीशन चूज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। ऐसे आप जो चार्ट का पोजीशन है वो चूज़ कर सकते हो कि चार्ट आपका रहेगा कहाँ। और फॉर्मेट सिलेक्शन में आप इसको और भी ज़्यादा फॉर्मेट कर सकते हो, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, ये आपको एक साथ मिल जाता है, शेडो। अब आप ट्रांसपेरेंसी साइज आप बढ़ा सकते हो ऐसे, और इसके बाद क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये हो गया। आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो ऐसे। आई होप आपको चार्ट ऑप्शन जो है ये समझ में आ गया होगा, इसका यूज़ कैसे करना है ये।
आप जान गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।